दोस्तों, हमारे आसपास तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। कुछ शरीर से बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ऐसे में हर जानवर दूसरे जानवर से अपनी रक्षा करता है, लेकिन इतने विशाल वातावरण में दूसरे जानवरों से खुद को बचा कर रखना सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम होता है। दोस्तों, जंगलों में पाए जाने वाले बड़े बड़े जानवर, शेर, चीता, हाथी, व्हेल, शार्क, तो अपने तेज दांतों, पंजों, लंबे पैरों, मोटी स्किन की वजह से दूसरे जानवरों का शिकार होने से बच जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे और कमजोर जानवर या फिर नाजुक से दिखने वाले जानवर अपने आप को दुश्मनों से कैसे बचाते होंगे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे छोटे से दिखने वाले लेकिन खतरनाक जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें कुदरत ने ऐसी खूबियां बख्शी हैं जिनकी बदौलत ये दूसरे जानवरों को आसानी से चकमा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम आपके साथ साझा करें, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा ही दें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, चींटियां। दोस्तों, हम अक्सर अपने घरों में या बाहर लाल चींटियों को देखते आ रहे हैं। कई बार तो बागीचे या लाल मिट्टी वाली जगहों पर बैठने पर ही हमें काटती तक हैं। इनके काटने पर थोड़ी बहुत सूजन जरूर होती है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा चिंता नहीं करते। हमें पता होता है कि इनके डंक से हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, चींटियों की एक प्रजाति ऐसी भी है जो खुद की रक्षा करने के लिए एसिड तक फेंकती है। जी हाँ, रेडवुड एंट होती है जो झुंड में रहना पसंद करती है और वो मिलकर एक दूसरे की रक्षा करती हैं। जैसे ही उन्हें अपने ऊपर किसी तरह के हमले का सेंस होता है, वो अपने शरीर में बनने वाले फॉर्मिक एसिड को अपने दुश्मनों पर फेंकना शुरू कर देती हैं, वो भी एक साथ, ताकि उसका असर दुश्मन पर ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये एसिड उनके शरीर के पिछले हिस्से में तैयार होता है और एंट समय आने पर अपने मुंह की नलियों के सहारे इसे बाहर छोड़ते हैं। अगर ये एसिड आंख में चला जाए तो अंधे होने का खतरा हो सकता है या कोई नर्व डैमेज होने की संभावना होती है। लेकिन हमारे आसपास पाई जाने वाली चींटियां कम जहरीली होती हैं, जिससे हम सिर्फ खुजली या स्किन इचिंग करके काम चला लेते हैं। लेकिन जंगलों में पाई जाने वाली दूसरी चींटियां काफी खतरनाक होती हैं, जैसे बुलडॉग चींटी, जो अपने जबड़े में मौजूद जहर को किसी को काटकर उसमें भर देती है। इनका जहर काफी खतरनाक होता है और इससे कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है। नंबर दो, सेक्रेटरी बर्ड। विश्व में कई प्रकार के रंग बिरंगे और अनोखे पक्षी पाए जाते हैं। अनोखे दिखने वाले पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड का नाम प्रमुख है। न केवल इनका नाम अजीब है, बल्कि इसका शरीर भी अजीब होता है। इसका आधा शरीर बाज की तरह और आधा क्रेन सॉरस की तरह होता है। सेक्रेटरी बर्ड सूडान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। सेक्रेटरी बर्ड अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। सेक्रेटरी बर्ड की लंबाई 35 से 54 इंच के बीच होती है। इनका वजन 2.5 किलो से 5 किलो के बीच होता है। इस पक्षी के पंखों का फैलाव 75 से 86 इंच तक होता है। इनके अजीबोगरीब दिखने वाले पैर ही संकट के समय इनको प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसीबत आने पर ये बार बार शिकार पर अपने पैरों से हमला करने लगते हैं और इनकी किक इतनी भयानक होती है कि ये सांप से लेकर छोटे मैमल इसके पैरों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए यदि कभी आपका इनसे सामना हो तो इन्हें मासूम समझकर छेड़खानी ना करें, वरना आपको काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नंबर तीन, सैराडाइन बैट बॉल। दोस्तों, आपने अक्सर नेशनल ज्योग्राफी या एनिमल प्लानेट टीवी चैनल समुद्र में तैरती मछलियों को देखा होगा और अक्सर समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ एक झुंड या समूह में तैरती हैं और उन मछलियों के ग्रुप इतने सिंक्रोनाइज होते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि समुद्र में पाई जाने वाली हर तरह की मछली अपने से बड़े जीव से अपनी रक्षा करने के लिए एक साथ झुंड में तैरती हैं, जिससे वे बड़े से बड़े समुद्री जीव को चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन कई बार इनका ये प्रयास भी विफल हो जाता है। दरअसल, समुद्र में फैले प्रकाश से छोटी मछलियाँ जल्दी बड़े जीवों की नजर में आ जाती हैं और उनका शिकार बन जाती हैं। इसलिए उन्होंने इससे बचने के लिए एक तरकीब सोची है और ये तरकीब है टोर्नाडो ऑफ सैटिन्स की। यानी ये मछलियाँ एक बवंडर के आकार में एक साथ मूव करने लगती हैं। इनका ये सर्कल डायमीटर में 10 से 20 मीटर और डेप्थ में 10 मीटर तक होता है। साथ ही ये इतने स्पीड से घूमते रहते हैं कि इतने बड़े साइज को देखकर ये शिकार होने से खुद को बचा लेती हैं। नंबर चार, लिजार्ड। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आँखों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सभी तो जानते हैं कि आँखें इंसान हो या जीव, सभी देखने का ही काम करते हैं। लेकिन लगता है जनाब अपनी आँखों से कुछ और भी कर सकते हैं। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका एंड मैक्सिको में एक लिजार्ड पाया जाता है जिसे हॉट रोड लिजार्ड कहते हैं। दोस्तों, इस लिजार्ड की खूबी ये है कि जब कोई हमलावर इस पर हमला करता है तो ये उस पर अपनी आँखों से खून की पिचकारी छोड़ देता है, जो की काफी दूर तक जाती है। खून के इस फुहार से शिकारी की आँख में जलन होने लगती है और इससे बचने का मौका मिल जाता है। दरअसल, हॉट रोड लिजार्ड जरूरत पड़ने पर अपने सिर का रक्त दाब बढ़ा देता है, जिससे आँखों की सूक्ष्म रक्त कोशिका
कोशिकाओं की झिल्ली फट जाती है और खून की फुहार छूट निकलती है। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसा करने पर उसे तकलीफ तो होती है, लेकिन इससे हॉर्न टोड लिजार्ड अपनी रक्षा बेहतर तरीके से कर पाता है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ऐसा करना तो दूर, लेकिन इसे देखने के बाद भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इससे पता चलता है कि प्रकृति द्वारा ऐसे कई रहस्य हैं जो कि हमारे होश उड़ाने के लिए काफी होते हैं। नंबर 5, पॉक्यूपाइन। दोस्तों पॉक्यूपाइन को साही के नाम से जाना जाता है। ये जीव अपने शरीर पर उगे हुए खतरनाक और नुकीले कांटों की वजह से फेमस है। जन्म के वक्त साही के कांटे काफी नर्म होते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद सख्त हो जाते हैं। साही जानवर के शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं जिनसे ये अपनी रक्षा करता है। ये कांटे उसके बाल होते हैं। कांटे सुई की तरह होते हैं जिन्हें क्विल्स कहते हैं। साही के शरीर का वजन 25 से 35 किलोग्राम के आसपास होता है। कुछ प्रजाति की साही का वजन 2 से 4 किलो भी होता है। इसके शरीर पर 30,000 कांटे होते हैं। साही के शरीर पर पुराने कांटे हटकर नए कांटे भी आते रहते हैं। ये जानवर खुद कभी आक्रमण नहीं करता। वो खतरा महसूस होता है तब अपने बचने के लिए कांटे को जंगली जानवर के शरीर में घुसा देता है। इस कांटे के चुभने से जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों बड़े से बड़ा जानवर तक इनका शिकार करने से घबरा जाता है। साथ ही इतने छोटे होने के बावजूद झुंड में आए शेर भी अकेले शाही का सामना करने से पहले 10 बार सोचते हैं। नंबर 6, कैबन्स रिचनबेरी स्पाइडर। मकड़ियाँ अपना शिकार और अपनी रक्षा सब कुछ अपने बनाए हुए मजबूत जाले से ही करती हैं, और इनके जाले अक्सर हम अपने घरों में देख ही लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरक्को साउथ ईस्टर्न डेजर्ट में पाई जाने वाली ये मकड़ी अपनी रक्षा कुछ खास तरीके से करती है। दरअसल ये रेगिस्तानी मकड़ी खतरा महसूस होने पर अपने पैरों पर तेज रफ्तार से लुढ़कने लगती है। ऐसे मोरक्को में मोरक्को फ्लिक फ्लैक स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। ये 2 सेकंड की रफ्तार से मूव कर सकती है और ये इतनी ही रफ्तार से हवा में भी जंप कर सकती है। मोरक्कन फ्लिक फ्लैक स्पाइडर जाले की जगह रेत के कणों को जोड़कर टीले जैसे दिखने वाले बिल बनाते हैं। नंबर 7, रिबॉन वॉर्म्स। दोस्तों वॉर्म केचुआ प्रजाति के होते हैं और कई वॉर्म मिट्टी में रहते हैं तो कुछ समुद्र में पाए जाते हैं। ये बिना हड्डियों वाले जीव हैं जो छूने पर बड़े चिपचिपे लगते हैं। रिबॉन वॉर्म हाल ही में खोजे गए जीवों में से एक है। ये जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्पाइडरमैन की तरह वेब यानी कि जाल छोड़ता है। लाल रंग का दिखने वाला ये वॉर्म अपने मुंह में भरे हुए सफेद वेब से ही अपनी रक्षा और अपना शिकार करता है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके मुंह से निकला सफेद जहरीला जाला अलग अलग दिशाओं में फैलकर चिपक जाता है। रिसर्चर बताते हैं कि ये खुद को बचाने के लिए जहरीला वेब छोड़ता है जिसका दर्द असहनीय होता है। ये वॉर्म अपने आसपास मौजूद कीड़े को उसकी महक से सूंघ लेता है और जैसे ही उनके पास पहुंचता है उसकी सूंड की मसल्स तेजी से सिकुड़ जाती हैं और उसमें भरा तरल पदार्थ जाले के रूप में बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में सूंड से वो शिकार को चारों ओर से लपेट लेता है और मुंह में लेकर खा लेता है। नंबर 8, इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों जिस तरह व्हेल फिश अपने विशालकाय शरीर के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, ठीक इसी प्रकार ये मछली भी अपनी एक विशेष खूबी के कारण विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है। इलेक्ट्रिक ईल्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका संबंध जरूर इलेक्ट्रिक से है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईल के नाम के आगे इलेक्ट्रिक इसीलिए लगा है क्योंकि ये मछली करंट मारती है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक ईल 600 वाट तक का झटका मार सकती है जो कि इंसान को भी मार दे। जी हां, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि ये अपनी रक्षा के लिए अपने दुश्मन को इलेक्ट्रिक मतलब कि करंट का झटका देती है, और ये झटका इतना तेज होता है कि कभी कभी इसके दुश्मन का दिल धड़कना बंद हो जाता है। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स के करंट से लोगों की जान गई है। दोस्तों शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मछलियाँ करंट का झटका कैसे दे सकती हैं, तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल्स द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं उनमें होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को एक्साइट किया जाता है तो सेल की बाहरी सतह पर मौजूद आयंस तेजी से चलने लगते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। दोस्तों कभी कभी ये इलेक्ट्रिक शॉक 300 से 400 वाट तक भी हो जाता है। नंबर 9, जेलीफिश। दोस्तों जेलीफिश समुद्र की गहराई में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी बनावट ही सबसे ज्यादा खास है क्योंकि इसकी बनावट को देखकर कोई भी चकमा खा जाता है। देखने से ये सबसे शांत जानवर प्रतीत होता है लेकिन है उतना ही खतरनाक। दोस्तों जेलीफिश की बॉडी फ्रेम किसी बॉक्स की तरह होती है और जेलीफिश की भी कई प्रजातियां होती हैं। इसके एक डंक से इंसान की मौत हो जाती है। इसकी एक प्रजाति नोमुरा जेलीफिश इतनी शक्तिशाली होती है कि वो एक नाव को भी पलट देती है। समुद्र में जाने वाले लोगों को ये अपना शिकार बनाती है। नंबर 10, बीज। दोस्तों आपने शहद तो खाया ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है जो बड़ी मेहनत करके अपने छत्तों को शहद से भरती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुमक्खियाँ दूसरे जानवरों से खुद को कैसे बचाती हैं? मधुमक्खियाँ हम इंसानों या अपने से बड़े जीवों पर एक साथ हमला करती हैं।
दरअसल मधुमक्खियां जितने प्यार और मेहनत से शहद जमा करती हैं, उतनी मात्रा में अपने पास एक खास किस्म का एसिड भी रखती हैं। और जब ये किसी को काटते हैं तो अपने डंक पर लगे उस एसिड को भी दुश्मन के शरीर में छोड़ देती हैं, जिससे सामने वाले जीव को इन्फेक्शन होने लगता है। इसके साथ ही मधुमक्खियां झुंड में अपने दुश्मन के शरीर पर चिपक जाती हैं और इतनी गर्मी पैदा कर देती हैं कि उसका शरीर जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मधुमक्खियां एक साथ हमला करके कई लोगों को घायल करने की ताकत रखती हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हाथी, गेंडे और बड़े से बड़े जीव को भी मौत के घाट उतारने की क्षमता रखती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगा। देखने के लिए शुक्रिया।